Hey guys, welcome back to my channel and this today's DIY is super easy to make and is a great trending decor nowadays. So make sure you subscribe to my channel and hit the like button. So let's get started. So is DIY ke liye humko chahiye ek glass bottle aur clay and that's it. और सिर्फ इन्हीं चीज़ों से ही हमारी एक सुंदर सी बॉटल 3D आर्ट वाली वो प्रिपेयर हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, बस क्ले को यूज़ करना है और इस पर इस तरह का कुछ पैटर्न बनाना है जो कि 3D लगे और इस पर इजीली स्टिक हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्ले लेंगे, मैंने यहाँ मोल्डेड लिए और हम उसको शेप देंगे। यहाँ मैंने जो शेप देने की कोशिश की है वो एक फेस की है, आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन और शेप चूज कर सकते हैं और बना सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। अब हम यहाँ पर छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड करेंगे, आप अपने चॉइस की डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिक ही बना रही हूँ एकदम। मैंने इस आर्ट को एकदम सिंपल रखा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है तो इजीली ये बन जाता है। वैसे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा क्ले मॉडलिंग टूल्स आते हैं डिफरेंट चीज़ें मॉडल करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ नाइफ़ का ही यूज़ करूँगी। आप चाहे तो और चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, स्केल से भी बहुत अच्छा यूज़ होता है। और यहाँ पे डिटेल्स और देने के लिए नॉर्मल पेन का, पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, टूथपिक का। यहाँ पे अब मैंने लिया है घर का बना हुआ होममेड चॉक पेंट। घर का बना हुआ चॉक पेंट बहुत स्मूथ बनता है और इसी से ही मैं सरफेस को कवर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बॉटल का कितना अच्छा फिनिश आया है, कितना स्मूथ टेक्सचर आया है, लग नहीं रहा है कि ये घर का बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं कुछ कलर से हाईलाइट करूँगी ताकि मेरा थोड़ा 3D लुक आए। अब यहाँ मैं टील ब्लू कलर से हाईलाइट करूँगी स्पॉन्ज की हेल्प से, इसीलिए क्योंकि ये जो फेस बनाया है ये 3D है और स्पॉन्ज से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ब्रश से उतना नहीं अच्छा आएगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप भी बना रहे हैं तो स्पॉन्ज का यूज़ करें ना कि ब्रश का। अब यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर देने के लिए अपनी बॉटल को हाईलाइट करूँगी रेड कलर से, जो कि मैं स्पॉन्ज से ही करूँगी ताकि इसमें टेक्सचर जो आए वो थोड़ा डिफरेंट आए। अब हाईलाइट करने के बाद मैं बॉटल को सिक्योर करूँगी फेविकॉल और पानी की हेल्प से, तो वही इसका रेशो बनाएंगे 1:1 के रेशो में और इसको सारे में अच्छे से कोट करेंगे ताकि ये सील हो जाए। इसमें मैं मैट लुक देना चाहती थी इसलिए मैंने इसको यूज़ किया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ड्राई होने के बाद देखते हैं इसका फाइनल लुक। और अगर ये लुक आपको भी पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।